हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं गिटार का। तो ये मैंने परचेज किया है amazon.in से, ओके। और ये जो टोटल मुझे गिटार का पड़ा वो 1990 है, एग्जैक्ट प्राइस मुझे 1990 पड़ा, ओके। तो एक बार मैं इसको आपको ओपन करके बता देता हूँ, ओपन करके और एक बार हम लोग इसको प्ले करके देखेंगे कि कैसा प्ले होता है, ओके। और इसका जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, तो अगर आपको पसंद लगता है गिटार तो आप वहाँ जाके एक बार उसे चेक कर सकते हो, ओके। तो एक बार हम लोग इसको ओपन करके देख लेते हैं, ओपन करने पे ये कैसा दिखता है और इसके अंदर में क्या क्या हमें चीजें मिली है और पैकेजिंग कैसे होता है इसका और बैग्स है, स्ट्रिंग्स है। तो ये मैंने इसको ओपन कर दिया, ये इसके अंदर ये एयर बैग्स है, ओके। तो इसको हम लोग स्लाइड कर देंगे, इसके अंदर में देख सकते हैं ये इसका प्राइस और डिटेल्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल बॉक्स के अंदर हमारा गिटार है। अब इसे ओपन करके देख लेते हैं कि कैसे ये पैक है और क्या है। तो गिटार ही है तो इसको हमने ओपन कर दिया। इसके अंदर में भी हमारे बबल्स वाले प्लास्टिक लगे हुए हैं, इसको एक बार हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये है हमारा फाइनल गिटार, ओके। इसको मैं बाद में आपको ओपन करके दिखाऊंगा, अभी इसको रख लेते हैं। इसके साथ हमें क्या क्या मिला हुआ एक बार देख लेते हैं। ये बैग है, ओके। ये बैग इसके साथ में मिला है। अगर हम लोग इसकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही नॉर्मल बैग है ये, ओके। और इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं ये स्ट्रिंग है, ओके। और अंदर कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रिंग से एक्स्ट्रा स्ट्रिंग सेट है और इसके साथ हमें दो पिक्स मिले हैं, ओके। दो पिक्स मिले साथ में। तो अब हम लोग इसको बैग को साइड कर देंगे, ओके। ये बैग उतना अच्छा नहीं है, किसी काम का कोई ज़्यादा नहीं है, ओके। बस ये गिटार को रख सकते हैं, बट अगर हमें कैरी करना होगा तो हम लोग कैरी ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये बैग हम लोग साइड में रख देंगे और अब देखेंगे। तो ये हमारा फाइनल गिटार, तो आप इसे देख सकते हो, मैं आपको चारों तरफ दिखा दे रहा हूँ। और क्वालिटी की इसकी बात करें तो ठीक ठाक है, 2000 रुपए के लायक है ये, ओके। और 2000 रुपए में कम बजट में अगर आपका बजट कम है तो आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हो। और अगर हम लोग फ्रेट और ये स्ट्रिंग के डिस्टेंस की बात करें तो बहुत ही कम है, तो हम लोग कंफर्टेबली इसको प्ले कर सकते हैं, प्ले करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो ये एक्चुअल में अभी अनट्यून है, इसको पहले मैं ट्यून करता हूँ, उसको ट्यून करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसका साउंड कैसा है। कुछ हम लोग सॉन्ग्स प्ले करेंगे, कुछ कॉर्ड्स प्ले करेंगे और कैसा प्ले होता है एक बार हम लोग इसको देखेंगे, ओके। तो फाइनली हम लोगों ने इसको ट्यून कर लिया है और इसका जो साउंड है आप देख सकते हो, साइज थोड़ा छोटा है तो कंफर्टेबल रहेगा, ओके। और
जो फ्रेट्स के बीच में डिस्टेंस है वो भी सही है, थोड़े फिंगर्स को पेन भी नहीं होते, तो इस अगर इस नजरिए से देखें तो गिटार अच्छा है। और इसमें हम लोग कुछ नोट्स प्ले करके देखते हैं, नोट्स प्ले करने में कैसा आता है, देखते हैं कुछ प्ले करने से।